us but want subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का कारोबार कैसा है, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, फ्यूचर में ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, क्या आपको इसके स्टॉक्स या शेयर में निवेश करना चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कब तक होल्ड करें, कितना प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कृषि से संबंधित प्रोडक्ट्स तैयार करती है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, तो ये वीडियो देखकर आप सीखेंगे, कमाएंगे और आपका जो जीवन है उसमें सोचने की एक नई तरकीब विकसित होगी, एक नया इंटेलिजेंस आप में आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। स्टॉक में निवेश करना बहुत ही रिस्की होता है, तो शेयर्स खरीदने से पहले कंपनी के बारे में स्वयं रिसर्च जरूर करें या हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हम आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिससे कि रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा और प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और भी अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए जिसमें आपको मुनाफा हो, रिस्क कम हो, अच्छे रिटर्न्स मिलें, इसके लिए आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसके माध्यम से आपको इस कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम आपको इसके फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वीडियो के थर्ड पार्ट में इस कंपनी के टारगेट बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कृषि से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि कीट फसल नष्ट कर देते हैं और उनसे बचने के लिए इंसेक्टिसाइड्स कंपनी जो है कीटनाशक तैयार करती है। कीटनाशक के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके
फ्रॉम ऑटम टू स्प्रिंग, हर कदम हर कदम। तो खेती किसानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनी हमेशा रिसर्च करती रहती है और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जिससे कि किसानों को उनकी मुसीबतों से निजात मिल सके और अपनी फसलों का अच्छा पैदावार करके खुशहाल जीवन जी सके। इंसेक्टिसाइड्स कंपनी में 1,250 प्लस इम्प्लाइज काम करते हैं। इनोवेट इंटीग्रेट लीड, ये कंपनी के काम करने के तरीका है। हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जिससे कि दुनिया में राज कर सकें, लीड कर सकें और कॉम्पीट कर सकें दूसरी कंपनियों से। टू टेक्निकल सिंथेसिस प्लांट हैं इनके पास, सिक्स पर फॉर्मुलेशन प्लांट्स हैं, वन बायोलॉजिकल प्लांट है और फोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इनके पास। 100 प्लस फार्मुलेशन प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्लस टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, 5,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 60,000 प्लस डीलर्स हैं और 10 लाख फार्मर्स इनके कांटेक्ट में हैं। फार्मर्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड इज अ कमिटेड टू 45 एग्रीकल्चर विथ अ हाईली प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव विजन एंड मिशन टू मेक फार्मर्स प्रॉस्परस। इंसेक्टिसाइड का विजन और मिशन यही है कि वो एग्रीकल्चर को हाईली प्रोडक्टिव बनाएं और देश के किसानों को समृद्ध बनाएं। हैविंग मेड अ मॉडेस्ट फॉरे इनटू एग्रीकल्चर स्पेस इन 2001, टुडे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया इज वन ऑफ द प्रीमियर नेम्स इन क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री। टुडे विथ मोर देन 100 फार्मुलेशन प्रोडक्ट्स एंड 15 टेक्निकल प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। 100 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन तैयार कर चुके हैं और 15 टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं। IIL एट ग्लेंस, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कैसे काम करती है, इसकी कुछ पिक्स आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है यहाँ पर टेक्निकल सिंथेसाइज है, ये इनके फॉर्मुलेशंस हैं और ये मार्केट डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। कंपनी किसान के हित के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल में इनकी वीडियो देख सकते हैं आप, प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी बखूबी निभा रही है उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। जब हर घर की जड़ें जुड़ी हों शांति और प्रेम से, तब होता है सुखी समाज का निर्माण। तो बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं ये और इसका एक पिक भी शेयर किया है वेबसाइट पर। तो कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या बिजनेस है इनका, तो इनके दो बिजनेस हैं, डोमेस्टिक बिजनेस है और एक इंटरनेशनल बिजनेस है। इनके प्रोडक्ट्स बताने चाहेंगे, महारत्न प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स फंगिसाइड्स बायोलॉजिकल PGR भी है इनके पास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रही है कंपनी, हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रिसर्च करती रहती है और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना चाहेंगे, पोल्यूशंस कंपाइलेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देख सकते हैं, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कंपनी सभी नियमों का पालन कर रही है। चलिए इनके हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया करेंट मार्केट प्राइस है 724.10 और एक ही दिन में 0.10% की 1-2% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। 1 वीक में 0.07% की गिरावट, 1 मंथ में 12.26% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 35.12% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 17.72% का रिटर्न और 5 ईयर्स में 5.70% का रिटर्न दे रही है कंपनी। टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं खरीदारी करनी चाहिए। तो स्टॉक जो है 50 MA या 200 के सपोर्ट पर है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है। तो इसका RSI जो है 60 है,
स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है, उसमें अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी को परफॉर्मेंस पर चर्चा कर लेते हैं। 52 वीक लो 520 रुपीज़ है और 52 वीक हाई 874 रुपीज़ का है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाई ऑर्डर क्वांटिटी 62.22% की है, सेल ऑर्डर क्वांटिटी 37.78% है। तो बायर्स हावी हैं स्टॉक में, ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदना चाहते हैं। एनालिस्ट का क्या कहना है स्टॉक के बारे में, तो 50% बाई करने के लिए बोल रहे हैं, 50% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और कोई भी इसमें सेल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो अच्छा स्टॉक है, कोई भी एनालिस्ट इसको सेल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। फंडामेंटल्स देख लीजिए, मार्केट कैप 1431 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो 13.60 का है, पीवी रेशो 1.83 का है, इंडस्ट्री पी 13.71 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी के पास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। डेट टू इक्विटी कंपनी पर मामूली सा डेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.10% की है जो कि अच्छी है। ईपीएस 53.32 है। डिविडेंड यील्ड 0.28% की है, अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी। बुक वैल्यू 424.82 की है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। फाइनेंशियल देख सकते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू जो है इनके लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, थोड़े कम हो रहे हैं रेवेन्यू हर क्वार्टर में। प्रॉफिट में लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन 2021 के क्वार्टर में इनको प्रॉफिट में कमी आई है। नेटवर्थ में इजाफा हुआ है, ईयरली देखेंगे नेटवर्थ इनकी हर साल बढ़ रही है। प्रॉफिट जो है इनके डिक्लाइन हुए हैं, कम हुए हैं प्रॉफिट रिसेंट क्वार्टर में, और रेवेन्यू जो है इनके लगातार बढ़ रहे हैं साल दर साल, जो कि इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल जी हैं। फाउंड हुई थी कंपनी 1996 में, एनएसयू सिंबल इंसेक्टिसाइड के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास 72.16% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13.63% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड्स के पास 8.79% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है ये है HDFC स्मॉल कैप फंड, 0.84% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक्स जिसमें निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं, जैसे कि UPL, PI इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सुमितो केमिकल इंडिया, बायर क्रॉप साइंस, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जैसी कंपनियां भी हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी में क्या इवेंट्स हो रही हैं, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो देखिए, बोर्ड मीटिंग 26 मई 2022 को होने वाली है, अपकमिंग मीटिंग है। न्यूज़ क्या है जो आपके लिए जानना जरूरी है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया राइज आफ्टर गवर्नमेंट अवार्ड्स टू पेटेंट्स। तो टू पेटेंट्स को गवर्नमेंट जो है अवार्ड दे चुकी है, इससे इसके स्टॉक प्राइस में इजाफा हो रहा है। क्या टारगेट मिलेंगे अगर आप इनको होल्ड करेंगे तो देखिए, स्टॉक की स्ट्रेंथ है 7, वीकनेस है 7, अपॉर्चुनिटीज है 12, थ्रेट है 2, 1 एक्टिव होल्ड है। तो प्रभुदास लीलाधर ने 680 का टारगेट दिया था जो कि अचीव हो चुका है और अभी भी होल्ड है, आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं टारगेट अचीव होने के बाद भी। और 817 के टारगेट दिए गए थे पहले प्रभुदास लीलाधर ने, और अकोमोडेट करने के लिए कहा था, टारगेट मेट हो चुका है, उसके बाद भी इसमें अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जिससे कि इन्फॉर्मेशन कई लोगों को पहुंच सके और उससे फ़ायदा उठा सकें। आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके तहत आपको क्वालिटी वीडियोज मिलेंगे जो कि आपके लिए बाई या सेल रिकमेंडेशन होगी, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई खराब स्टॉक है तो उसको सेल कर सकते हैं, और कोई अच्छे स्टॉक है तो ज़्यादा टारगेट पर उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्वालिटी वीडियो आपको प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।